सामने विल जैक्स है, हवा में गया शॉट, लेकिन फील्डर अपना काम यहां पे पूरा करता, अगर वहां होता नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे उमर जाई, करनी पड़ेगी उसकी भरपाई। विल जैक्स लेंथ को वो पिक किया और स्टैंड में गेंद को वो डिपॉजिट किया, हल्का सा रूम बनाया था और कवर्स के बगल से वो चार रन। ये तो आपने निमंत्रण दिया था और विल जैक्स ने उसको स्वीकारा है। इस बारी बैट के बिल्कुल बीचों बीच में गेंद वापस भेज दीजिए। पे पहुंच गए विल जैक्स, बैक द हैंड मोहित वाली गेंद तो बहुत अच्छी तरीके से पड़ रहे, लीजिए उससे बेहतर और ताकत के साथ छह रन और, बैक द हैंड तो बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ रहे और छक्के के साथ वो अर्धशतक, स्वैग के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, दूसरा अर्धशतक इस सीजन। विल पावर दिखी है जैक्स, ये तो एम्पायर भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहेंगे, छह रन और मिलेंगे। यॉर्कर की तरफ जा रहे थे, गेंद हाथ फिसली वहां पे बोलर्स के ऊपर से, फिर से प्रयास किया था वो बैक द हैंड स्लोअर बॉल और वो भी पाले में गिरी और वही छक्के में तब्दील किया। गैप में और गेंद जा सीधा जाके वो बाउंड्री रोप पे लगी है, वो सिर्फ छह ही मारने हैं और कुछ नहीं करना इन्होंने। फिर से और एक छह रन, मैं कह रहा हूं वो उनका निशाना उन्होंने साधा वो कार के ऊपर है, दैट इज द स्टोरी। वो उसी तरफ है कार, बता रहा हूं मैं, वो ये कार के ऊपर से मार दी, ये तो इनक्रेडिबल हिटिंग हो रही। और अब सिर्फ एक रन चाहिए जीत के लिए, छह चाहिए सौ के लिए, बना दो भाई शतक आज देखी जाएगी। गई भाई गई है ये, छे छे चार छे छे, विल जैक्स, वाओ विल जैक्स, टेक अ बाउ विल जैक्स, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। 41 गेंदों में जड़ दिया है शतक, 9 विकेट से जीत लिया है मुकाबले को। विल नाम का आज एक तूफान आया है और अपने साथ वो टाइटैनिक को ले गया है।